टीवी हाजिर है दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का काउंटडाउन। नंबर वन, आसिफ ने दी करणवीर बेहरा को गाली। आपको बता दें, कुछ टाइम पहले करणवीर बेहरा ने आसिफ रियाज के लिए कहा था कि उन्हें इलाज की जरूरत है। ऐसे में आसिफ ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें इनडायरेक्टली करणवीर बेहरा को टॉन्ट मारा। आसिफ ने साथ ही गाली भी दी। नंबर टू, सुमित सिंह को मिला नया शो। गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेस सुमित सिंह को नया शो मिल चुका है जिसमें कि वो धमाल मचाने को तैयार है। आपको बता दें, जल्द ही शैतानी रस्में में नजर आएगी सुमित। नंबर थ्री, निया ले रही हैं बिग बॉस 18 के लिए तगड़ी फीस। सोर्सेस की माने तो निया ने मेकर्स से इस सीजन के लिए 5 करोड़ की डिमांड की है। नंबर फोर, सोनू ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कहा अलविदा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। ऐसे में शो में सोनू का कैरेक्टर प्ले करने वाली पलक सिंधवानी ने शो को अलविदा कह दिया और काफी इमोशनल पोस्ट शेयर किया। नंबर फाइव, बिग बॉस मेकर्स ने बनाया सीक्रेट प्लान। सोर्सेस की माने तो बिग बॉस पॉपुलर एक्टर करण वाही की एंट्री कराने वाले हैं और ये एक सीक्रेट एंट्री होगी। कानोकान मेकर्स नहीं चाहते किसी को ये खबर भी लगे। नंबर सिक्स, गोविंदा को देखने नहीं पहुंचे कृष्णा अभिषेक। आपको बता दें, गोविंदा को गलती से लग गई थी उनकी ही पिस्टल से गोली जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऐसे में कृष्णा अपने मामा गोविंदा को देखने नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। वहीं कृष्णा ने क्लियर किया कि आखिर वो क्यों नहीं आए। कृष्णा के मुताबिक वो ऑस्ट्रेलिया में है और उनकी पत्नी कश्मीरा गोविंदा को देखने पहुंची थी। नंबर सेवन, बिग बॉस 18 में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री। सोर्सेस की माने तो बिग बॉस 18 में मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर नजर आएंगी। टीवी की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल क्रेजी फॉर टीवी को।